सावन के महीने में कवर्धा जिले के भोरम देव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां के प्राचीन पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर और ऐतिहासिक भोरम देव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रोजाना सुबह से ही लोग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु और कांवड़िए के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा जगह जगह पर शीतल पेयजल और नाश्ता सहित भोरम देव में विश्राम करने की व्यवस्था भी रखी गई है। 11वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। इसकी बनावट दूसरे मंदिरों से अलग है। इसकी कलाकृति और प्राकृतिक सुंदरता लोगों को आकर्षित कर लेती है। यह मंदिर 7 से 11वीं शताब्दी तक की अवधि में बनाया गया था। यहाँ मंदिर में खुजराहो मंदिर की झलक दिखाई देती है, इसलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खुजराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है। मंदिर में 3 ओर से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर एक 5 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। यहाँ 3 प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप में प्रवेश किया जा सकता है। मंडप की लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई 40 फुट है। मंडप के बीच में 4 खंभे हैं और किनारे की ओर 12 खंभे हैं, जिन्होंने मंडप की छत को संभाल कर रखा है। सभी खंभे बहुत ही सुंदर और कलात्मक है। कवर्धा जिले के मेकौल पर्वत श्रेणी श्रृंखला में स्थित 1100 साल पुराना भोरम देव मंदिर गौड़ जनजातियों का पूजनीय है। गौड़ समुदाय के लोग भोरम देव को भगवान शिव के अंश मानते हैं। इस मंदिर के आसपास बौद्ध जैन विष्णु देवता की आकृति बनी हुई है, जो लोगों को आकर्षित करती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।